वन परिवहन व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुल्लू तथा मनाली बस अड्डों को नित्य प्रति सैनिटाइज किया जा रहा है। यहां से जाने वाली सभी बसों को सैनिटाइज करके ही रवाना किया जा रहा है ताकि वायरस फैलने की कोई संभावना शेष न रहे। यहां देव सदन सभागार में कोरोना को रोकने के प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि 3 दिन में 3 बार बस अड्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है, निजी बसों को भी सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी चालकों व परिचालकों को मास्क व हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसका खर्च हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रत्येक बस में ये प्रमाण पत्र लगाने को कहा गया है कि चलने से पूर्व बस पूरी तरह से सैनिटाइज की गई है। कि अभी हम उसमें व्यावहारिकता को देख रहे हैं। अभी जैसे पिछले कल जो बस टनकपुर जाती थी तो उसमें लगा कि थोड़ा नेपाल बॉर्डर है और कुछ एक ऐसे संदेह लगा कि कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए अभी उस बस को हमने हरिद्वार तक किया है। और बाकी भी बसेस का हम ये देख रहे हैं कि अगर आवाजाही कैसे होती है, तो और यदि लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कम होती है और कुछ है, तो फिर हमने ये विचार किया है कि अभी थोड़ा सा उसको अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर कुछ बसेस को क्लब करने की अगर आवश्यकता होगी तो उन बसों को हम क्लब करेंगे। तो बाकी उसके अतिरिक्त फिलहाल तो यह है कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और सारी की सारी बसेस को ठीक समय पर सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। और हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हैं चाहे वो प्राइवेट का है, सभी को आदेश दिए हैं कि वो जब बसेस को चलने से पहले वहाँ पर उसके बारे में कोरोना वायरस से सावधानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं, तो और सैनिटाइजर इत्यादि सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं, तो कम्प्लीट तैयारियाँ और अच्छे से हमने कर रखी हैं। हिमाचल के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट।